हर हर महादेव। तो भाई इसी के साथ भाई ने सुबह उठ के नहा धो के करी भोले बाबा की पूजा। हाँ जी, तो भाई ने पूजा वूजा करके ब्रेकफास्ट में खाए फल और पिया जूस। और ये देखो, ये तो भाई कभी साथ छोड़ता ही नहीं है भाई। सभी को हर हर महादेव। और भाई का है आज 27वां दिन भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। भाई ने मतलब 27 दिन तक चुप रहे और फाइनली भाई इस चैलेंज को कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत जल्दी चैलेंज कंप्लीट होने वाला है भाई, मैं वही बता रहा हूँ, है ना। बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत मज़ा आया। ये जो भी 27 दिन भाई ने मौन व्रत रखे उसमें मज़ा आ गया भाई। बाकी भाई ने भाई ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया घर से, पूजा वगैरह करके आ गए। उसके बाद भाई घर जाके किया थोड़ी देर आराम और फिर दोपहर को खाए फ्रूट्स। और देखो ये देखो, ये तो भाई हमेशा ही मिलेगा, कहीं पे भी चले जाओ। हाँ जी, तो भाई बाबा जानी की तरफ से बाबा के जानीस को हर हर महादेव। ये क्या कर दी? चलो भाई ठीक है, मतलब यही आशीर्वाद मान लो भाई, खाओ पियो मौज लो भाई, ठीक है। भाई का कहने का मतलब यही है, खाओ पियो और पीने में कुछ भी पियो कोई दिक्कत नहीं है और मौज लो। और बाकी भाई आज है भाई का 27th डे ऑफ सावन और भाई ने इस चैलेंज को बड़े ही मज़े से कंप्लीट किया है। मज़े से तो खैर अंदर की बात मेरे को नहीं पता, बट हाँ ठीक है, ऊपर से तो मज़े ही मज़े हैं। तो भाई इसके साथ भाई ने कंप्लीट किए 26 डे और आज है 27 डे। क्या हुआ? हाँ ठीक है। और बाकी भाई ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है? बाकी यार कमेंट तो तुम करोगे नहीं, ना ही करते हो, तो भाई प्लीज़ बता दो कमेंट करके कि भाई इसको कंटिन्यू करे कि नहीं करे। मेरे ख्याल से तो भाई ना ही करे तो बेस्ट है, क्योंकि कोई खुश नहीं है भाई, सब दुखी है भाई के चुप रहने से। जब बोलते हैं तभी भी दुख, जब चुप रहो तो अभी भी दुख। इंसान जाए तो जाए कहाँ भाई। बाकी भाई जैसे भाई ने बताया था कि भाई बारिश आएगी, तो देख रहो मौसम बन गया बढ़िया एकदम, और बारिश मेरे ख्याल से आएगी ही आएगी। और खाना वाना तो खाली होगा ना, तो भाई लंच वगैरह तो भाई ने टपा टाप उटाप भर दिया एकदम। बाकी यार कमेंट में कोई नाम बताओ फल फ्रूट्स का जो भाई ने कभी ट्राई नहीं किया, या तुम लोगों ने जो वीडियोस में देखे सिर्फ वही क्या नाम है, सेब केले गुआवा और क्या है भाई, मैं ही भूल गया भाई, पर्ल्स ना, पर्ल्स ही बोलते हैं ना उनको, तो वो जो गोल गोल रेड रेड चेरी जैसे होते हैं। चलो भाई ठीक है, कुछ भी जो भी बोलते समझ गया ना, वो रेड रेड वाले गोल गोल जैसे जो फल होते हैं। और उसके बाद कीवी और एक हाँ एवोकाडो, ये सब भाई खा रहे हैं। तो भाई इसके अलावा भी अगर भाई के अगर कोई मतलब फल फ्रूट्स का नाम है तो बता दो, 2-3 दिन बच रहे हैं, इतने में भाई खा के एकदम बढ़िया मस्त एकदम तंदुरुस्त हो जाए। अभी थोड़े ढीले ढाले से लग रहे भाई, लेकिन भाई मैं बहुत खुश हूँ भाई का पेट देख के भाई, क्योंकि जब इंसान का खुद का बड़ा पेट होता है ना, तो दूसरे का पेट देख के इंसान को खुशी होती है। एब्स भाई कह रहे भाई दोनों साइड में हल्के हल्के एब्स आने लग गए। भाई साहब रे, अब तो भाई नेक्स्ट सावन फिर मैं हो जाऊंगा मौन व्रत, ठीक है। और सिर्फ भाई फ्रूट्स और फ्रूट्स, तो ऐसा कुछ सिस्टम है भाई, देख रहा हूँ। तो बाकी और बताओ भाई कैसा क्या दिन चल रहा है? बढ़िया, एक्साइटेड हो कि भाई 4-5 दिन में आपका मौन व्रत खत्म हो जाएगा? और भाई अपने सारे दोस्तों से मिलेंगे भाई, सब के सब वेट कर रहे हैं कि कब खत्म हो। किसी को लगा नहीं था कि भाई ये चैलेंज कंप्लीट कर लेंगे, राइट? क्योंकि भाई भाई बोलते ही इतना है, चुप ही नहीं होते भाई। तो ऐसा सोचता है भाई, किसी को नहीं लगा था कि भाई ये चैलेंज कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन फाइनली भाई ने ये चैलेंज कर दिया है कंप्लीट, मतलब करने वाले हैं 2-4 दिन में। और इसी के साथ बोल दो भाई हर हर महादेव। और भाई अभी जा रहे जिम, ठीक है, जिम के लिए निकले, खैर देख लो भाई। एक क्वेश्चन देखा था मैंने यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, किसी ने पूछा था, किसी एक बंदे ने, नाम याद नहीं मेरे को, वो पूछा कि भाई अब दिन भर करते क्या हो, यही करते हो, काम धाम क्या करते हो? तो मैं उनको क्या बोलूं भाई, क्या काम करते हो? कि भाई तुम्हारे सोच से ऊपर है कि भाई क्या काम करते है, ठीक है। तो भाई ये समझा करो, ये कॉपीराइट वॉपीराइट बहुत आते हैं आजकल, ठीक है, तो समझ जाओ बस। अच्छा कट कर दो।
नहीं इतने इतने में कुछ नहीं होता भाई, ये तो ऐसे मजाक मस्ती है, घूमते रहते खाते रहते और बॉडी बनाते रहते यही काम है बस भाई। अभी 2025 में फिर से बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन लड़ने वाले उसकी तैयारी चल रही है, ठीक है तो सब जाओ बस। चलो भाई तो फाइनली पहुंच गए जिम, ठीक है चलो तब जिम। आज क्या करोगे? हाँ कल बता रहे थे ना आपकी शोल्डर और उसके बाद क्या बैक, यार यही तो समझ नहीं आया मेरे को मतलब शोल्डर। चलो भाई अंदर चलते, अंदर जाके देखते हैं कि भाई आज कौन से एक्सरसाइज करने वाले हैं। भाई ने कर दी वो देख रहे हो उस स्कूटी में ना एक बेटा जा रहा है छोटा सा और एक वो पापा जा रहे हैं, वो दोनों गाड़ी देख रहे हैं। बेटा कह रहा है भाई पापा क्या मस्त गाड़ी है अलॉय देखो इसके। बच्चों बच्चों को भी पता है भाई आजकल अलॉय पलॉय और ये और वो रैप रूप सब पता है, कितने आगे बढ़ गए भाई। हमें तो जब इतने से थे हम तो हमें बस दिमाग में ये आता था कि भाई कल संडे है कल मजे करेंगे। हाँ अच्छा बाइक गाड़ी मतलब चलाओगे मतलब ये सोचते थे भाई, कह रहे कि भाई जब इतने से थे तो भाई मतलब ये सोचते थे कि गाड़ी गाड़ी बाइक कब चलाऊंगा। अच्छा वेली वेली मारेंगे। चलो भाई ठीक है। हाँ तो भाई मेरे को पता चल गया कि भाई का आज एक्सरसाइज कौन सा होने वाला है। भाई आज करने वाले हैं ये वाले एक्सरसाइज करने वाले, इसको बोलते हैं भाई डेडलिफ्ट। ये बड़े बड़े ऐसे वेट लगते हैं दोनों साइड में और भाई आज उठाएंगे इसको। उठाओगे ना यही हो ना? तो बाकी भाई ठीक है, भाई लोअर बैक की एक्सरसाइज करेंगे आज। लोअर बैक मतलब क्या, जैसे दिनेश भाई ने बताया मेरे को कि डेडलिफ्ट मतलब पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, हाथ की पैर की मसल्स की बैक लोअर की और पूरा सिस्टम हिल जाता है बिल्कुल एकदम। और भाई कह रहे थे नाक से खून भी आ जाता है, खैर मैंने देखी है वीडियोस तो काफ़ी ठीक है। तो भाई चलो देखते हैं भाई का आज डेडलिफ्ट। इसी के साथ भाई का जिम हो गया आज के लिए समाप्त और भाई ने आज करी डेडलिफ्ट। देखा ना आप लोगों ने, भाई ने आज उठाई 180 किलो। भाई साहब मानना पड़ेगा भाई बिना खाए बिना धोए बिना किए भाई 180 किलो बहुत बड़ी बात है भाई, मज़ा आ गया बाकी देख के। तो भाई कह रहे कि रुक जाओ एकदम सरप्राइज दूंगा जानिस तुम लोगों को, पेट के साथ नहीं एब्स के साथ दिखाऊंगा, है ना भाई एब्स के साथ नहीं। अच्छा भाई कह रहे मतलब थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ मतलब एकदम लीन करके दिखाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या इशारा कर रहे थे आप, क्या ढोलक खाना? अच्छा वो विशाल भाई के वहाँ। अच्छा जानीस आज विशाल भाई के घर पे फंक्शन है और भाई के मतलब बगल में ही है जो कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पे भाई लोगों ने क्या नाम है फंक्शन का वेन्यू रखा है और इसी के साथ चल रहे। क्या वहीं जाना है तो नहा धो के उसके बाद? अच्छा चलो ठीक है। लो भाई तो इसी के साथ भाई पहुंच गए होम स्वीट होम, ओ हो मेक लव बिच्छू के साथ अरे तिरकी तो भाई देख लो। तो भाई फाइनली भाई पहुंच गए घर और घर पे खड़ी है मस्त मस्त चिक्स, ये देखो एक चिक्स वो देखो एक चिक्स और ये देखो भाई साहब चिक्सा चिक्स तो देख लिया आपने भाई, ये भी देख लो आइए।
तो लो भाई, भाई पहुंच गए घर और भाई पी रहे नारियल पानी। हे रोमी भाई, कोई नहीं, इसका तो काम है, ये कोई दिक्कत नहीं है। सनम भाई हो रहे हैं रेडी, देख रहे हो, है ना, हैंडसम बॉय। अरे चुप हो जाने, क्यों कर रहा। तो भाई ठीक है, भाई पी के अब नहाएंगे, नहा धो के भाई होंगे रेडी और उसके बाद जाएंगे फंक्शन में। दोनों भाई एकदम, देख रहे हो, सावन चल रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल मस्त आएंगे, एकदम जाएंगे नॉन भाई चला सोने, सोबर जाएंगे और सोबर आएंगे। हर हर महादेव, महादेव। तो भाई लो, इसी के साथ भाई पहुंच गए फंक्शन में, जो मैं बता रहा था आपको, विशाल भाई के फंक्शन में, और गाड़ी खड़ी कर दी वहाँ, और लाल पड़ी देख रहे हो, यहाँ खड़ी है। तो भाई ऐसा कुछ सिस्टम है, देख लो, डेकोरेशन तो बढ़िया कर रखी है भाई, है ना, मस्त एकदम। तो भाई ऐसा सीन है, देख लो, चलो बाकी अंदर चल के मिलते हैं सबसे। भाई भाई के पुराने दोस्त मिल गए, देख रहे हो, इतने दिन बाद भाई इनके, मतलब लाइक ये 27 दिन में अभिषेक भाई, कुणाल भाई, जितेश भाई कोई नहीं मिले थे, आज पहली बार मिल रहे 27 दिन बाद। देख रहे हो कितने खुश है भाई सबके सब, देख रहे हो। अभिषेक भाई तो कम से कम 10-12 बार कॉल कर दिया ये 27 दिनों में कि भाई करवा दे, भाई भाई से बात करवा दे, लो फाइनली भाई कर लिया आज। फाइनली भाई निकल गए फंक्शन से, कैसा लगा भाई सबसे मिलके इतने दिन बाद? सब बड़े मस्त खुश हो गए, अभिषेक भाई, कुणाल भाई, जितेश भाई, सब बड़े मस्त खुश हो गए एकदम, तो मिलके बढ़िया। तो भाई ठीक है, अब चल रहे घर, घर जाके भाई करेंगे डिनर, ऑफिस आओगे? 9 बज रहे, ठीक है। तो भाई भाई ऑफिस आके लिखेंगे आज का अनुभव, तो चलो मिलते हैं। और इसी के साथ भाई पहुंच के घर, घर पहुंच के भाई ने डिनर में खाई फल और रूमी को भी खिलाया। भाई पहुंच के ऑफिस और देख रहे जिम वाले आउटफिट पहन के आए, जो ऑफिस तो आज गर्मी लग रही है क्या भाई? हाँ तेरी बार गर्मी तो है भाई, बारिश तो हुई ना, भाई का प्रेडिक्शन गलत हो गया, पर कोई ना, हो जाएगा जल्दी। और फिर भाई भाई खाना वाना खा लिया, डिनर वगैरह कर लिया, और डिनर में पता ही आप लोगों को फल वल खा लिया। और बाकी भाई क्या हो गया, मुझे लगा फिर से भाई कुछ भूल गए, लिख लिया ना आपने, तो अपने जानिस को दिखाओगे? तो चलो ठीक है जगानिस, भाई का आज का अनुभव देख लो आप लोग, तो भाई दिखाओ अपने जानिस को, ये देखो, ओ ये। तो भाई इसी के साथ बोलो हर हर महादेव।